नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई है। कुछ दिनों पहले तो कोई घर से कूड़ा करकट भी उठाने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही सरकार ने नई कंपनी को ठेका दिया तो शुक्र है इस बात का कि कूड़ा उठाने वाले जो नगर परिषद कर्मचारी है वो आने लगे। लेकिन इस कूड़े को सही ढंग से ना तो उठाया जा रहा है और ना इसको फेंकने की कोई व्यवस्था है। आप मेरी इस रिपोर्ट में देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में जगह जगह कूड़े को लेकर कितनी समस्या पेश आ रही है। कुरुक्षेत्र में साफ सफाई को लेकर लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले तो नगर परिषद कुरुक्षेत्र ने घर घर जाकर कूड़े को उठाने की व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ दिनों से ये सफाई कर्मचारी घर से कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहे थे, जिससे सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में चाहे आज़ाद नगर हो, शांति नगर या सेक्टर्स वासी, सभी इस समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के सार्वजनिक शौचालय भी बहुत खस्ता हालत में हैं। बात अगर थर्ड गेट के पास बने शौचालय की करें तो यहाँ से गंदगी के कारण निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। इस समस्या को लेकर क्या बोले लोग, आइए सुनते हैं। ये सफाई के मामले में तो हम लोग बहुत दुखी हैं, ना कोई सुनवाई होती है। पहले कभी कभी वो आ जाते थे कूड़े वाले, वो भी रेगुलर नहीं आते थे, तो उनमें एक सायरन सा लगा होता था, वो बोलता था, हमें पता लग जाता था कि लो भी अब कूड़े वाला आ गए, हम गए। अब तो जब से सुना नया कोई ठेकेदार आया है उसको इन्होंने दे दिया, वो ड्राइवर हमें नहीं पहचानते, हम उनको नहीं जानते, उनको ये नहीं पता किस गली में से जाना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ खड़े होना है। बस वो अब दो दिन से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि वो आते हैं, उतरता आदमी, बैल बजाता है, एक दो घरों की बैल बजाई, उनका कूड़ा उठा के लिया, डाला और चला गया। हम लोग देखते रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब वो आया कब गया। इसी तरह स्ट्रीट गलियों की ये जो सड़कें हैं, इनकी सफाई का तो महीनों से बुरा हाल है। या तो आएंगे तो छः छः लेडीज़ एकदम आ जाएंगी और आके आते ही कहेंगे जी चाय, हाँ जी चाय बनाओ जी, उनकी सेवा भक्त करो, कर दोगे तो आपके आगे की सफाई वो कर देंगी, नहीं तो अपना छोड़ के ही चली जाएंगी। और मेला त्यौहार तीज कोई भी होगा उस पर सबसे पहले वो खड़ी मिलेंगी, लो जी ये मेले का दो, ये त्यौहार का दो, और दो तो कोई बहुत अच्छा। सफाई के मामले में किसी का ध्यान ही ना, यहाँ कोई आता है सैनिटरी अफसर है और है ना कोई। मैं एक दफा खुद कमेटी में गया तो मुझे ये जवाब मिला कि जी कोई आप लिख के दे दो। भाई लिख के क्या कहते हैं, लिख के तो जनरल है भाई, सफाई होनी चाहिए, इसमें क्या लिख के देना है, कोई व्यक्तिगत मेरा है, फिर उसको पर्सनलाइज कर देते हैं कि जी आप ही कहते हो, बाकी तो सब जगह कोई शिकायत नहीं है। मतलब कोई उस तरह का है कि भाई उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब जिम्मेवारी हमारी ही है। और पैसे के मामले में पता नहीं अब हमें किस टाइम कितना देना पड़ जाए, क्योंकि 6-6, 7-8 महीने ड्यूज भी है हमारी बाकी। अच्छा फिर वो आए नहीं तो किस बात का दें, आधे लोग यहाँ देते हैं आधे लोग नहीं देते हैं, कोई सिस्टम यहाँ का बन नहीं रहा है प्रॉपरली। हाँ जी सर, बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं। यह सफाई तो है ही नहीं जी बिल्कुल, वो डब्बर से आवे हैं उन पर माइक वगैरह उधर ही पता ही नहीं लगता वो आए कि नहीं आए जी। यहाँ तो इतना बुरा हाल है सफाई का, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। और जो जो ये लेबर वगैरह जो लगाए हैं जिम्मेदार वगैरह, हमारी गली में तो कभी आज तक आए नहीं, हमने देखा नहीं आज तक भी। हाँ जी, इतना बुरा हाल तो यहाँ है, ये तो गाँव से भी बुरा हाल है यहाँ, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। आप खुद ही कर रहे हैं सफाई? और अपने घर के आगे शुरू करते हैं, आप देख लो सारी सफाई, हमारे घर के आगे देखो सारी सवेरे ऊपर के सफाई करते हैं, हम करते ही नहीं, वो आते ही नहीं कोई आदमी। अब किसको कहें क्या कहें, कोई सुनवाई नहीं है। उसमें भी गए थे म्यूनसिपैलिटी में, कोई सुनते ही नहीं, लिख कर दे दीजिए कंप्लेंट, लिख रहे तो कौन पूछा जी। तो देखा दोस्तों, मैंने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि कुरुक्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये डिपर जो कर्मचारी हैं वो अपना डिपर लेकर आते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कूड़े फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर हम प्रशासन से चाहेंगे कि वो किसी तरह से इस तरह की जो समस्या लोगों को पेश आ रही है सफाई को लेकर, उसके ऊपर अपनी कड़ी नज़र रखें और इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें।
कैमरामैन थार के साथ नगेंद्र शर्मा।